गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड दिस इज़ कीर्ति तिवारी। और इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पेपर 4 करेंगे फ्रॉम मिलियन माइंड इंग्लिश। इसका पहला क्वेश्चन है अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी वॉज फर्स्ट डिफाइंड एज एरर एवेल्यूटिंग अ पोएम बाई इफेक्ट्स इन एस ए पब्लिश इन 1946 बाय, किसके द्वारा ये पब्लिश किया गया 1946 में। सो ए डब्ल्यू के विमसेट और मॉनरे, इन दोनों के द्वारा ये पब्लिश किया, डिफाइन किया गया इसको। तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग। राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग यानी कि बोलने का जो घुमा फिरा के बात को बोलने का जो तरीका होता है उसको क्या बोला जाता है। सो यहाँ पर आपका हो जाएगा सरकुम लोकेशन, ये वाला गोल गोल घुमा के बात, मतलब एक ही बात के चारों ओर घूमते रहना, घुमाते रहना, वो होता है सरकम लोकेशन। तो यहाँ पर सी इज़ राइट हेयर। बाकी टॉकेटिव होता है बातूनी, और लोकासियस भी बहुत बातूनी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एन ऑर्डर रिक्वायरिंग ए पर्सन टू अटेंड ए कोर्ट, यानी कि रिक्वायर एक ऑर्डर दिया जाता है जिससे एक पर्सन को कोर्ट को अटेंड करना होता है, वो उसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे आपका सी वाला इसका आंसर हो जाएगा सब पोएना। नेक्स्ट है हु ओपाइंस, किसके विचार हैं। देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एन इसेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए किसमें, लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मेट्रिकल कंपोजिशन, यानी प्रोज और पोइट्री की जो लैंग्वेज है उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। हु ओपाइंस, किसके विचार हैं ये। सो ये जो विचार हैं ये वर्ड्सवर्थ के हैं। नेक्स्ट है इन विच पोएम वंस एंड चटरटन आर मेंशन्ड, यानी कौन सी पोएम में वंस एंड चटरटन का जिक्र किया गया है। सो ए इज़ राइट हेयर, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, एंड और इसका अनदर टाइटल है लीच गैदरर, अ पोएम पब्लिश्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट नैरेटिव प्रेजेंटेड सो एज टू स्ट्रेस द इम्प्लिसिट बट डिटेल्ड एनालॉजी बिटवीन इज कंपोनेंट पार्ट एंड ए लेसन और मॉरल दैट द नैरेटर इज ट्राइंग टू ब्रिंग होम टू द रीडर्स, है ना। तो ये शॉर्ट नैरेटिव प्रेजेंटेड एक एनालॉजी बिटवीन कंपोनेंट पार्ट एंड लेसन मॉरल दैट द नैरेटर ट्राई ब्रिंग होम। ब्रिंग होम मीन्स होता है समझाना, यानी कि नैरेटर रीडर्स को समझाना चाहता है कुछ मॉरल और कुछ ऐसे समानता, कुछ समानता और कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा वो रीडर्स को अपनी बात समझाना चाहता है। ये किसका कौन सा इसका एग्जाम्पल है तो आपको बताना है, पैराबल हो जाएगा यहाँ पर। ए इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 7, वॉट वॉज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स फादर, तो शेक्सपियर के फादर का नाम क्या था। तो यहाँ पर आपका सी वाला सही हो जाएगा, जॉन शेक्सपियर। एक्चुअली TZT में जो 4 राइटर हैं आपके, उन सबके ही फादरों के नाम जॉन से ही शुरू होते हैं, जॉन मिल्टन, जॉन वर्ड्सवर्थ एंड जॉन शेक्सपियर एंड जॉन गॉल्सवर्थी। सो यहाँ पर सी सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8, चूज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, जो सही है यहाँ पर उसको आपको चूज़ करना है। सो बी इज़ राइट ईयर, मिलियन ईयर, MILLION AIRE, ए पहले मिलियन लिख लो और फिर AIRE। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड, मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेंटर है जो, ये मिस स्पेल्ट वर्ड है ये वाला, क्योंकि सेंटर की जो स्पेलिंग होती है वो होती है CENTRE। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, विच ग्रुप शोज ओनली सुपरलेटिव्स, यानी कि इनका जो डिग्रीज का ग्रुप दे रखा है इसमें से कौन सा जो ग्रुप है केवल और केवल सुपरलेटिव्स को दिखाता है, सुपरलेटिव डिग्री को दिखाता है। सो यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, हैवीएस्ट, मोस्ट रग्ड, स्विफ्टेस्ट, क्यूटेस्ट एंड बेस्ट, ये सारे सुपरलेटिव डिग्री के एग्जाम्पल हैं। सो बी इज़ राइट हेयर।
क्वेश्चन नंबर 11, द प्लूरल फोर हैंडफुल, तो हैंडफुल का आपको प्लूरल बताना है, तो हैंडफुल का प्लूरल यहाँ पर हो जाएगा, ए इज राइट हेयर, हैंडफुल्स, हैंडफुल्स हो जाएगा, ये सारी गलत है, ये डबल एल तो बिल्कुल आएगा नहीं लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 12, ही ऑफन बाथ्स इन द इवनिंग, वो अक्सर शाम को नहाती है, तो यहाँ पर आपको एडवर्ब बताना है कौन सी एडवर्ब है इसमें, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सी वाला सही हो जाएगा, ऑफन है ना। क्वेश्चन नंबर 13, विलियम शेक्सपियर लव्स लिवर लॉस्ट वॉज एन अडॉप्शन ऑफ, ये किसके उन्होंने अडॉप्ट किया है और किसका अडॉप्शन है, सो यहाँ पर आपका मैंने मी ऑफ प्लेटस, ये सी बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, आई वॉज द फर्स्ट टू रीच द विनिंग एंड, यानी ये जो क्वेश्चन है आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसका कॉम्प्लेक्स में इसको चेंज करना है। तो आपका यहाँ पे ये ए वाला ही सही हो जाएगा, आई वॉज द फर्स्ट, मैं ही फर्स्ट था, हु रीच द विनिंग एंड, ठीक है, ये हमारी ऑब्जेक्टिव क्लॉज हो गई। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड, यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच, नेगेटिव, यानी आपको इसको नेगेटिव में बदलना है, इसको नेगेटिव में बदलना है, यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस हार्ड यू कैन नॉट विन द मैच, तो ये तो गलत हो जाएगा आपका, है ना, क्योंकि अनलेस ये वाला सही हो जाएगा आपका, क्योंकि अनलेस के साथ नॉट का यूज़ नहीं करते, सो अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड यू कांट विन द मैच, सो बी इज़ राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एन एक्सट्रीमली पॉपुलर डिवाइस इन द मिडिल एजेस वॉज ए स्टोरी टोल्ड एज ए पार्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द जनरल टेक्स्ट ऑफ ए सरमन, वॉट इज कॉल्ड, वॉट इट इज इट कॉल्ड, तो इसको बोला जाता था एग्जाम्पल, आपका सी यहाँ पर सही हो जाएगा, एग्जिम्पलम। क्वेश्चन नंबर 17, चेंज द नरेशन, द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स दैट दे शुड डू द होमवर्क, टीचर ने बच्चों से कहा कि उनको अपना होमवर्क कर लेना चाहिए, तो इसका आपको बताना है, तो यहाँ पर ये योर होमवर्क और ये सब गलत ही है, यहाँ आपका ये वाला सही हो जाएगा, टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट डू देयर होमवर्क, ये वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, थैंक यू आई सैड टू द स्ट्रेंजर, मैंने थैंक यू बोला स्ट्रेंजर को, तो इसका आपको ये ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, आई टोल्ड द स्ट्रेंजर दैट आई एम थैंकफुल टू हिम। क्वेश्चन नंबर है 19, द रेप्रोबिटेट द एक्ट, दे रेप्रोबिटेट द एक्ट, इसका आपको यहाँ पर चुनना है मीनिंग, यहाँ पर एक्वाइट हो जाएगा, एक्वाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग, रेटिसेंट, यानी रेटिसेंट का अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका ये वोकल हो जाएगा, वोकल, रेटिसेंट मीन्स होता है अल्पभाषी, यानी कि जो मूक होता है बोलता नहीं है, और वोकल होता है बातूनी, सो ये इसका हो जाएगा, बर्बोज ये भी बातूनी टाइप में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने वाला होता है उसको बोलते हैं बर्बोज, क्वाइट होता है शांत, साइलेंट भी शांत होता है, लेकिन जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो ये वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, द पार्लियामेंट रिफ्यूज टू एंडोर्स द बिल, यानी पार्लियामेंट ने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया एंडोर्स द बिल, बिल को एंडोर्स करने के लिए, तो यानी कि इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज का मतलब रिजेक्ट कर दिया, तो यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, रिजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, ही बियरली लेफ्ट द ऑफिस टिल 5, बियरली इज, तो यहाँ पर आपको बताना है बियरली क्या है, यानी कि वो 5 बजे तक मुश्किल से ही क्या करती है, ऑफिस को लीव करती है, सो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ आपका डिग्री हो जाएगा, बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 23, इंडिकेट द अंडरलाइंड वर्ड विच इज द करेक्ट एडवर्बियल क्वालिफिकेशन, यानी एडवर्बियल क्वालिफिकेशन को कौन सा वर्ड यहाँ बता रहा है, तो द फ्लेम्स स्प्रेड,
एवरीवेयर, यानी फ्लेम क्या है, स्प्रेड हो गई एवरीवेयर। तो यानी स्प्रेड को क्वालिफाई कौन कर रहा है यहाँ पे, एवरीवेयर क्वालिफाई कर रहा है। सो ए इज राइट हियर, बाकी सब यहाँ गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, द बॉय सैड अलास आई हैव लॉस द मैच, यानी लड़के ने कहा अलास हाय मैं मैच हार गया, यानी अलास का मतलब होता है दुख। तो यहाँ पर आपका ये वाला सही हो जाएगा, ये बनेगा ऐसे, द बॉय एक्सक्लेम्ड रिग्रेटफुली दैट ही लॉस्ट द मैच, यानी कि वो मैच को हार गया। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 25, वी मस्ट ईट और सॉरी चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस टू द सिंपल सेंटेंस, यानी कि जो सेंटेंस है ये वाला, इस ये कंपाउंड सेंटेंस है, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, तो इसको आपको बदलना है सिंपल में, है ना, वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, तो आपको सिंपल में बदलना है। तो यहाँ आपका वी वाला सही हो जाएगा, वी मस्ट ईट टू लिव, यानी कि ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव अजीरेंट की हेल्प से हम सिंपल बनाते हैं। सो वी मस्ट ईट, हमें खाना चाहिए जीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है आपको करना है, ट्रांसफॉर्म करना है द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, यानी सिंपल को यहाँ पर आपको कंपाउंड में बदलना है। ओके, बिसाइड मेकिंग ए प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस करने के अलावा ही कैप्ट इट, उसने इसे निभाया भी। तो आपका ये ए वाला ही यहाँ पे सही हो जाएगा, ही नो नॉट ओनली मेड ए प्रॉमिस बट ही ऑल्सो कैप्ट इट, यानी उसने इसे निभाया। क्वेश्चन नंबर इनविटीज विल बी गिवेन अ कूपन बाय द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 27 है इसको आपको बनाना है। ये जैसे पैसिव स्ट्रक्चर है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है, तो आपको इसे एक्टिव स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये वाला सही हो जाएगा आपको। आपका सही हो जाएगा ये वाला, ए वाला, ए सही हो जाएगा। द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी विल गिव ए कूपन टू इनविटीज। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन अवर स्टार्स, जो फॉल्ट है डियर ब्रूटस हमारे स्टार्स में नहीं है बट इन अवर सेल्फ, ये हम में है, दैट वी आर अंडरलिंग्स, कैसियस मेड दिस रिमार्क, यानी कि जो ये रिमार्क है ये कैसियस ने कहा है, किससे करा है, बिफोर ब्रूटस, बिकॉज वो ब्रूटस से ये बात बोलता है, क्यों बोलता है वो। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये डी वाला, ही वॉज ज्वेलस, वो ज्वेलस करता है ऑफ ग्रोइंग प्रॉबर ऑफ सीजर वॉन्टेड टू इंसाइड ब्रूटस अंगेस्ट सीजर, यानी कि वो सीजर की बढ़ती हुई पावर से जलने लगा था, तो वो उसको इंसाइड करता है, उकसाता है ब्रूटस को अंगेस्ट हिम। सो डी इज राइट हियर। क्वेश्चन 29, फाइंड द सिनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाई चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, आपको यहाँ पे इसका सिनोनियम बताना है, क्वेश्चन नंबर 29 का है ना, डिफिडेंस, डिफिडेंस का सिनोनियम बताना है। सो सी इज राइट हियर, लैकिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी का आपको सिनोनियम बताना है। प्रोक्लिविटी माने होता है झुकाव या रुचि, तो यहाँ पर आपका ए वाला हो जाएगा, डिस्पोजिशन, यानी ये इसका हो जाएगा। बाकी डिस्टेंट माने दूरी, नियरनेस तो पता है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैंकलिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रैंकलिंग, तो रैंकलिंग का मीनिंग होता है इरिटेबल, सो डी इज़ राइट हियर, इरिटेबल होता है रैंकलिंग मीन्स। क्वेश्चन नंबर 32, ए डैश शोल्डर फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी, एक ऐसा सोल्जर जो फाइट करता है पैसे के लिए, सो दिस इज़ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ TGT और एनी अदर एग्जाम रिगार्डिंग BOKF, तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा मर्सिनरी, बहुत मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये TGT का, बहुत पूछा जाता है मर्सिनरी सैनिक कौन होता है। सो क्वेश्चन नंबर 33, द रोड टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, सॉरी मैंने पहले इसका आंसर बता दिया, सी आएगा इसमें, पेव्ड हो जाएगा यहाँ पर, है ना। एंड दिस लाइन इज टेकन फ्रॉम एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाई थॉमस ग्रे, ये उनकी एलेजी की बहुत फेमस लाइन है, वहाँ से ये लाइन ली गई है।
क्वेश्चन नंबर 34, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, इन शेक्सपियर्स स्कार्सली. अच्छा, इन मिल्टन देयर इज ऑलवेज एन अपीयरेंस ऑफ एफर्ट, यानी मिल्टन में क्या है, एफर्ट है. इन शेक्सपियर स्कार्सली, यानी दिस रिमार्क हैज़ बीन मेड बाय, किसके द्वारा रिमार्क किया गया है, सो मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा किया गया है. क्वेश्चन नंबर 35, शी सेज आई एम रीडिंग नाउ, वह कहती है कि मैं पढ़ रही हूँ, इनडायरेक्ट में आपको ये बदलना है, सो शी सेज दैट दैट शी इज रीडिंग नाउ, बी इज राइट हियर, शी इज रीडिंग नाउ हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाई डिड योर अंकल राइट सच ए स्पीच, तुम्हारे अंकल ने ऐसी स्पीच लिखी क्यों थी, तो आपको इसको बदलना है इनडायरेक्ट, यानी कि ये वाई डी डी और अंकल, यानी कि ये एक्टिव स्ट्रक्चर है और आपको इसको बदल देना है फ्यूचर, ओ सॉरी पैसिव में आपको इसको बदल देना है, तो या आपका पैसिव ही हो जाएगा, वाई वॉज सच ए स्पीच रिटन बाय योर अंकल. ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए, द स्टूडेंट विल कम्प्लीट द असाइनमेंट विद इन एन आवर, ये भी इनडायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो यानी कि ये क्या है, विल कम्प्लीट लिख रहा है, तो यानी एक्टिव स्ट्रक्चर है और ये आपको पैसिव में बदलना है, तो असाइनमेंट विल बी कम्प्लीटेड, ये वाला डी यहाँ पर ये सी सही हो जाएगा, द असाइनमेंट विल बी कम्प्लीटेड बाई द स्टूडेंट विद इन एन आवर, है ना, सी वाला सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 38, माई फ्रेंड सेड टू मी लुक अहेड, इसको आपको बनाना है, मेरे फ्रेंड ने मुझसे कहा लुक अहेड, आगे देखो, माई फ्रेंड ऑर्डर्ड मी टू लुक अहेड, ए इज़ राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 39, द स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ क्विटनेस, ये तो आपको पता है, कीट्स की पोइम से ली गई है लाइन्स, द फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, द रिपीटेशन ऑफ आई साउंड इन द एबव लाइन्स इज एन एक्स इंस्टेंस ऑफ, यानी कि रिपीटेशन हो रहा है इसमें आई का, ये किसका उदाहरण है, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा एसोनेंस, यानी रिपीटेशन ऑफ ए वोवल साउंड इज कॉल्ड एसोनेंस. क्वेश्चन नंबर 40, द मिस स्पेल्ड वर्ड इज, तो यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड क्या है, ये दिख ही रहा है सामने, कमेटी है, कमेटी दिख रहा है, कमेटी हो जाएगा, बाकी सब है यहाँ पर सही है, ये जो कमेटी है इसकी स्पेलिंग होती है सी ओ डबल एम आई, फिर डबल टी होता है इसमें, फिर डबल ई होता है, ठीक है, डबल ई होता है, डबल सी ओ एम आई डबल टी डबल ई होता है, तो यहाँ पे ये मिस स्पेल्ट है. क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेल्ट वर्ड बताना है, तो यहाँ पर आपका सारे यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं वो सारे गलत हैं, मीनिंग्स यहाँ पर केवल हैवन है ना, ये केवल सही है, मैकावर है इसका भी, ग्रामर में डबल एम होता है, हैवन का भी गलत है यहाँ पर, मैकावर भी है ना, बी आर ही होता है. क्वेश्चन नंबर 42, एलिटरेशन इज द रिपीटेशन ऑफ स्पीच साउंड इन ए सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स यूजुअली अप्लाइड टू, तो यहाँ पर एलिटरेशन के लिए पूछा गया है, तो एलिटरेशन जो है केवल कॉन्सोनेंट ओनली, ए इज राइट हियर. क्वेश्चन नंबर 43, अलूजन इन ए वर्क ऑफ लिटरेचर इज ए ब्रीफ एक्सप्लिसिट और इनडायरेक्ट रेफरेंस टू, यानी कि अलूजन होता है जो किसी वर्क में लिटरेचर के में ब्रीफ एक्सप्लिसिट, यानी कि ब्रीफ एक्सप्लिसिट देता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस देता है, तो ये इसका आंसर क्या होगा, सो एनी ऑफ द एवव, यानी कि वो रेफरेंस जो होता है वो एक प्लेस और इवेंट के लिए भी हो सकता है, एक पर्सन के लिए भी हो सकता है, एन अदर कोई लिटरेरी वर्क के लिए भी हो सकता है, और इस काम में माहिर प्राप्त इंसान है हमारे टी एस एलियट, who used to very much in his work allusion. Question number 44, change into negative, आपको नेगेटिव में चेंज करना है किसको, as soon as he saw the tiger he fled, जैसे ही उसने टाइगर को देखा he fled, वो भाग गया, तो यहाँ पे आपको इसका नेगेटिव में बनाना है इसको, तो यहाँ पर कोई इसका सही जवाब नहीं है. क्वेश्चन आगे यहाँ देखिए, नो सूनर से बनता है, जो एस सून एज वाला उसका जब हमें नेगेटिव बनाते हैं तो वो हम बनाते हैं नो सूनर से, तो यहाँ पर हमारा ये सही हो जाएगा, नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लैड. क्वेश्चन नंबर है हमारा, चूज द करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस नंबर 45 to 47, यानी 45 से लेकर 47 तक आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है. सो 45, एवरी वन वुड डाई फॉर हिज कंट्री, यानी कि हर कोई क्या है अपने देश के लिए मरना चाहता है, मरेगा, सो आपको इसका इंटरोगेटिव बदलना है,
तो हु वुड नॉट डाई फॉर हिज कंट्री, तो वहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा कि कौन है ऐसा जो अपने देश के लिए मरना नहीं चाहेगा, नहीं पसंद करेगा, हर कोई चाहेगा। इट इज़ फुलिश टू वेस्ट द टाइम इन रीडिंग ट्रेस, तो टाइम वेस्ट करना ट्रेस में बिल्कुल मूर्खता है। ये वाला क्वेश्चन आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो आपका ये सी वाला सही हो जाएगा, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रेस। क्वेश्चन नंबर 47, द डेलीवरेट यूज ऑफ वर्ड्स आर एक्सप्रेशंस दैट हैव बिकम ऑब्सोलीट, यानी कि ऐसे यूज वर्ड्स का जो ऑब्सोलीट हो गए हैं कॉमन स्पीच, उनको क्या कहा जाता है, सो आर्केज्म उनको बोला जाता है, यानी कि जो अप्रचलित हैं वो अब नहीं बोले जाते हैं। हु 48, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉयड इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म द थ्योरी ऑफ आर्कीटाइप, आर्कीटाइप थ्योरी को किसने फर्स्ट क्रिटिसाइज इसको किया, तो आपका एक आंसर हो जाएगा मॉड बॉडकिन, बी वाला, बी राइट हियर, मॉड बॉडकिन। वॉट इज़ द लव इन आइडलनेस इन मिड समर नाइट ड्रीम, वॉट इज़ लव इन आइडलनेस, आइडलनेस ये किसको बोला गया है मिड समर नाइट ड्रीम में, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ये वाला, बी वाला, इन नेम गिवन टू फ्लॉबर। क्वेश्चन नंबर 50, हु टोल्ड द ओपिनियन अबाउट शेक्सपियर दैट इन हिम ऑल केम फ्रॉम विद इन, ये किसकी ओपिनियन है शेक्सपियर को लेके, कौन सी एज के क्रिटिक्स ने ये बोला है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी वाला, सी इज़ राइट हियर, द रोमांटिक क्रिटिक्स, सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, आई कुड विश माई डे टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पीटी, सो बी इज़ राइट हेयर, माई हर्ट लीप्स अप, माई हर्ट लीप्स अप एंड अनदर टाइटल ऑफ दिस पार्टिकुलर वर्क द रेनबो, 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 ऑकरिंग एट डे इज, सो ए इज़ राइट हेयर, डायनल ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 53, डिटरमाइन द नेचर ऑफ डिसीज, नेचर का डिसीज करने को डिटरमाइन को क्या कहते हैं, डायनोस, डायनोस, सी इज राइट हेयर। क्वेश्चन नंबर 54, इट इज़ द सेम विद द डॉग्स, इफ़ यू ट्रीट दैम विद काइंडनेस दे विल डू एनी थिंग फॉर यू, यानी कि बिल्कुल डॉग के साथ बिल्कुल सेम यही होता है कि अगर तुम काइंडनेस से उन्हें ट्रीट करते हो तो वो भी तुम्हारे लिए क्या करते हैं, दयालुता दिखाते हैं। सो वेयर डू दीज लाइन अपीयर, सो दीज लाइन अपीयर इन जस्टिस अ प्ले बाई गर्ल्स वर्दी विच केम इन 1910। क्वेश्चन नंबर 55, ही थिंक्स टू मच, सच मैन आर डेंजरस, यानी ऐसे मैन जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, हु इज स्पीकिंग एंड टू होम, कौन बोल रहा है और किससे बोल रहा है, सो दीज आर स्पोकिंग सीजर टू एंटनी। क्वेश्चन नंबर 56, द मोस्ट कॉमन स्टैंजा फ्रॉम इन पॉपुलर बैलेट्स इन ए क्वाट्रेन इन अल्टरनेट फोर एंड थ्री स्ट्रेस एम्बिक लाइन्स इन विच ओनली द, सो यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ लाइन्स राइम। क्वेश्चन नंबर 57, वेयर देयर इज लीजर फॉर फिक्शन देयर ए लिटिल ग्रीफ वॉज सैम्यूअल जॉनसन क्रिटिसिज्म ऑफ ए फेमस पोइम, विच पोइम वाज इट, सो दिस पोइम इज बाय जॉन मिल्टन लेसिडस, इसको क्रिटिसाइज किया उन्होंने। 58, क्वेश्चन नंबर, गार्ल्सवर्दी फर्स्ट नोवल वाज पब्लिश्ड इन 1899, विच नोवल, कौन सा नोवल गार्ल्सवर्दी का फर्स्ट पब्लिश हुआ 1899, कौन सा नोवल था वो, वो नोवल था जॉसिलिन, ये बेसिकली एक नोबेलिटी है जो उनका पहली बार आया 1899 में। विच वर्क ऑफ गार्ल्सवर्दी अर्न हिम द नोबल प्राइज, है ना, कौन से वर्क ने गार्ल्सवर्दी को नोबल प्राइज़ मिला था किसकी वजह से, तो ये था इनका द फोर साइड सागा, और नोबल प्राइज़ मिला था उनको 1932 में। क्वेश्चन नंबर 60, द फर्स्ट वर्क दैट अर्न्ड गार्ल्सवर्दी वॉज अ नोबल आइडेंटिटी इट, यानी कि कौन सा वर्क गार्ल्सवर्दी का जो नोबल है वो उनके उनकी आइडेंटिटी को बताता है, सो आयरलैंड फेरिसीज, जो कि ये ऐसा इनका फर्स्ट वर्क है जो आया उनके खुद के नाम से जो 1904 में। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ केव्स इज कॉल्ड, केव्स की स्टडी यानी कि गुफाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सेफोलॉजी इसको कहा जाता है, जियोलॉजी हो गया आपका भू अध्ययन हो गया, थियोलॉजी हो गया आपका भगवान का अध्ययन हो गया, और ये हो गया आपका ये सेफोलॉजी, सो सेफोलॉजी इज़ राइट हेयर।
क्वेश्चन नंबर 62, हु रोट इन द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस दैट मिल्टन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोइटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश. सो किसने कहा है ये? सो हैरोल्ड बूम, हैरोल्ड बूम ने ये कहा है. क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63, स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग्स. स्पॉट करना है आपको करेक्ट स्पेलिंग्स. सो यहाँ पे पुस लेनी है बस, यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये सब गलत हैं क्योंकि इसमें ये डबल एल है, इन सब में सिंगल एल है. सो ये तीनों गलत. क्वेश्चन नंबर 64, हु रिप्लाइज टू मिल्टन क्वेश्चंस डॉ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड इन ऑन हिज ब्लाइंडनेस. तो हु रिप्लाइड टू मिल्टन क्वेश्चन, यानी मिल्टन के माइंड में जो सवाल उठ रहे थे उनका रिप्लाई कौन देता है? गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड इन ऑन हिज, है ना, ब्लाइंडनेस में उनके जो वर्क है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस में उनके जो सवाल हैं मन में उठ रहा है उनका जवाब कौन देता है? सो पेशेंस, पेशेंस से उनको जवाब मिलता है. सो ये हमारे 64 क्वेश्चन हो गए मिलियन माइंड जो प्रैक्टिस पेपर है उसका, 4 के 64 क्वेश्चंस हो गए हैं. और मैं जो इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूंगी